हम लोग इससे के पहले की वीडियोज में एक्सरसाइज 13.2 डिस्कस कर रहे थे, उसी में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हो चुका है। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 पहले डिस्कस करेंगे, फिर बीच में 5 मिसिंग हो गया है तो 4 डिस्कस करेंगे। 6 क्या है? अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। कहने का मतलब स्टूडेंट्स, इस तरीके से क्वेश्चन है, ये एक सॉलिड सिलेंडर है, क्लियर। और क्या है हाइट? 220 सेंटीमीटर, क्लियर। हाइट क्या है? 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24, तो रेडियस भी 12 सेंटीमीटर, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर। इसके ऊपर एक दूसरा सिलेंडर है स्टूडेंट्स, देख रहे हैं इस तरीके से फिगर हम ड्रा कर रहे हैं। एक सिलेंडर ये है, अनदर सिलेंडर हाइट 60, दिस हाइट इज 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8। हम समझने के लिए इस बड़े सिलेंडर की हाइट को हम कैपिटल एच नाम दे देते हैं, 220 सेंटीमीटर, और छोटे वाले सिलेंडर की हाइट 60 सेंटीमीटर। बड़े वाले सिलेंडर की रेडियस क्या होगी? 12 सेंटीमीटर, और छोटे वाले सिलेंडर की रेडियस 8 सेंटीमीटर, क्लियर। फाइंड द मास ऑफ द पोल, मास निकालने के क्या निकालना पड़ेगा? वॉल्यूम। तो पहले हम ऐसा करते हैं, वॉल्यूम ऑफ पोल, क्लियर स्टूडेंट्स। पोल का वॉल्यूम क्या होगा? पहले बड़े सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच प्लस छोटे सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच टेकिंग कॉमन पाई। क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हम पाई कॉमन लेंगे। देखिएगा इस क्वेश्चन में है क्या, एक सिलेंडर है जिसकी हाइट 220 सेंटीमीटर और रेडियस 12, जबकि डायमीटर 12 दिया हो तो रेडियस 12 हो जाएगा, डायमीटर 24 है तो रेडियस 12 सेंटीमीटर, और इसके ऊपर एक दूसरा सिलेंडर है जिसकी हाइट 60 और रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो वैल्यू निकालने के लिए हमने कैपिटल एच 220 सेंटीमीटर, कैपिटल आर 12 सेंटीमीटर, स्मॉल हाइट 60 सेंटीमीटर, स्मॉल रेडियस 8, पाई कॉमन, कैपिटल आर यानी 12 × 12, एच क्या है 220 प्लस स्मॉल आर 8 × 8 × 60। देखिए कैलकुलेशन है इसमें, 12 × 12 = 144 × 22 = 220 8 × 64 × 60, क्लियर। वी कैन राइट दिस पाई या 0, 24 × 22 = 88 कैरी 8, 22 × 4 = 88 और 88 प्लस 8 क्या होगा स्टूडेंट्स? 96 कैरी 9, 22 × 22 = 9, 31 प्लस 0, 6 × 4 = 24 कैरी 2, 6 × 36 और 2 = 38। देखिएगा स्टूडेंट्स पाई, अब हम इसको ऐड करेंगे, क्या करेंगे? ऐड करेंगे, देखिएगा 0 0 क्लियर, 8 4 12 कैरी 1, 6 और 8 14 1 15 कैरी 1, 3 1 4 1 5 3 5 5 2 0 आपका 35,520। यहां तक समझ आ गया स्टूडेंट्स? फिर आगे हम देखते हैं, समझने के लिए हमें मास निकालना है इसका।
तो सबसे पहले हम वैल्यू को क्या करेंगे, हम क्लियर कर लेते हैं, पाई की वैल्यू भी पुट करेंगे, और पाई की वैल्यू क्या पुट करनी स्टूडेंट्स, 3.14। समझ आ गया? देखिएगा स्टूडेंट्स, वैल्यू हमारा क्या आया था, वैल्यू पाई इंटू 35520, पाई की वैल्यू क्या रख देंगे हम, 3.14 इंटू 35520। देखिएगा अब हम इसी में इंटू कर देते हैं तो आसानी से हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। देखिएगा 35520 इंटू 3.14 400 4 2 8 4 5 20 कैरी 2 4 5 20 2 आ जाएगा कैरी 2 4 3 12 2 14 फिर 0 2 5 5 3 3 0 3 2 6 3 5 15 कैरी 1 3 5 15 1 16 3 3 9 1 10 0 8 2 और 5 + 2 7 6 13 और 5 5 10 14 1 15 6 3 9 1 10 11 और यहां पर कैरी 1 1 डेसिमल टू प्लेसेस पे तो आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 1 1 5 3 2.8 सेंटीमीटर क्यूब। आपका 3.14 से 35520 से हमने मल्टीप्लाई किया, इससे पहले हमने वैल्यू निकाला था 400 4 2 8 4 5 20 कैरी 2 4 5 20 2 कैरी 2 4 3 12 2 14 1 0 2 5 5 3 3 0 3 2 6 3 5 15 3 5 16 3 3 9 1 10 क्लियर। देखिएगा सॉरी स्टूडेंट्स 0 8 ये 2 आ गया, 5 + 2 7 6 13 कैरी 1 5 5 10 + 4 15 कैरी 1 6 3 9 1 10 1 11 कैरी 1 ये आपका आ गया इतना सेंटीमीटर। इसके बाद आपको मास निकालना, क्या निकालना है, मास ऑफ द पोल, पोल की मास बतानी है कितना मास होगा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना दे रखा है स्टूडेंट्स 8 ग्राम, तो क्या करेंगे 1 1 1 5 3 2.8 × 8 ग्राम ये होगा 8 8 = 64 कैरी 6 8 2 = 16 और 6 कितना आएगा 16 और 6 22 कैरी 2 8 3 = 24 2 26 कैरी 2 8 5 = 40 और 2 42 कैरी 4 8 1 = 8 8 4 12 कैरी 1 8 1 = 8 1 9 8 1 = 8 क्लियर। इतना ग्राम इसको 1000 से हम डिवाइड कर देंगे 892.26 केजी। ये थे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर, हमने आपके सामने 6 को डिस्कस किया। 6 में एक पोल है जिसकी हाइट 220 सेंटीमीटर है और रेडियस 12 सेंटीमीटर है। इसके ऊपर एक दूसरा पोल है जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है, रेडियस 8 सेंटीमीटर है। इन दोनों का आपका जो पोल है इसका मास बताना, जबकि गिवन है जो 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन है उसका मास क्या है 8 ग्राम। तो हमने पहले वैल्यू निकाल लिया इस बड़े सिलेंडर का और छोटे दोनों को ऐड किया तो पाई इंटू 35520 आ रहा था। तो पाई की वैल्यू रखिए सॉल्व किया इतना सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास 8 ग्राम है तो मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 8 = 60 इसका इतने ग्राम आ गया। इसको फिर मैंने किलोग्राम में बदल दिया। देखिएगा स्टूडेंट्स ये चैप्टर देखा जाए तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर स्टूडेंट्स? देखिए स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 देखा था, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 4 के बाद हम 5 डिस्कस करेंगे। देखिएगा 4 क्या है, अ पेन स्टैंड्स मिडल ऑफ ओल्ड इज द शेप ऑफ क्यूबॉइड, यानी पेन स्टैंड्स क्या है क्यूबॉइड के शेप का है। तो फाइंड द वॉल्यूम, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ ओल्ड इन
पेन स्टैंड्स। क्लियर? तो क्यूबॉइड शेप का है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। फिर क्या कह रहा है, क्यूबॉइड विद द फोर कॉनिकल डिप्रेशन, इसमें से क्या है चार कॉनिकल डिप्रेशन किए गए, यानी माइनस फोर इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो देखिएगा क्यूबॉइड का वॉल्यूम वी नो दैट एल इंटू बी इंटू एच, और कोन का वैल्यू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एल क्या गिवन स्टूडेंट्स, अब डायमेंशन 15, एल 15, बी क्या है 10, और एच क्या है 3.5, माइनस 4 इंटू 1/3 पाई 22/7, आर क्या स्टूडेंट्स 0.5 इंटू 0.5 एंड एच आर 1.4। देखिएगा 7 बन जा, 7 से इसको कट करेंगे 0.2, अब यह आएगा 15 इंटू 35 माइनस 24 इंटू 22, 5 जा 110, एक डिजिट पॉइंट 11, और 0.5 इंटू 0.2 तो आ जाएगा 0.1 अपॉन 3, 15 5 जा 75 कैरी 7, और 15 3 जा 42, और 14 3 जा 45, देखिए 15 5 जा 75 कैरी 7, और 14 3 जा 45, 45 प्लस 7 क्या आएगा 52, माइनस 4.4 अपॉन 3, आप इसी को सॉल्व कर लेंगे 42, 5 2 5 माइनस 3 1 जा 3, आपके पास कैरी 1 14, 3 4 जा 12, और 2 3 6 जा 18, अब इसी को आप सॉल्व कर लेंगे 525 कर लेंगे, कर दे रहा हूं बेटा 425.00525 1.46, 10 minus 6 4, 9 minus 5 4 5, 4 minus 1 3, 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखा जाए जितना बड़ा दिख रहा है उतना बड़ा है नहीं, क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा। जैसे ये कोई क्यूबॉइड है इस तरीके से होगा, और यहां पे कॉनिकल डिप्रेशन इस तरीके से 1 2 3 एंड 4, सॉरी ये कट किए गए हैं, तो आप क्या करेंगे वैल्यू ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 इंटू वैल्यू ऑफ द कोन। क्यूबॉइड का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स, एल इंटू बी इंटू एच, एल आर 15, बी आर 10, एच आर 3.5, और कोन का वैल्यू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 4 इंटू 1/3 पाई 22/7, आर 0.5 इंटू 0.5 एंड एच आर 1.472 जा। क्लियर? 4 22 इंटू 0.5 11, 0.5 इंटू 0.2 0.1, 44.1 4.4 अपॉन 3, इसको डिवाइड कर दिया ये आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर स्टूडेंट्स, 13.2 में हमने अभी इससे पहले आपको 4 और 6 का डिस्कशन किया था, 5 इसमें क्वेश्चन 5 आपको छूट गया था, और हम 5 नंबर को डिस्कस करने चल रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जामिनेशन पर्पज से, और मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स 4 मार्क्स, दिस ईयर क्वेश्चन नंबर 4 नंबर के नहीं आएंगे 4 मार्क्स का क्वेश्चन, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है और 5 मार्क्स है, बहुत आसान सा क्वेश्चन। अब बेसेल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, एक बेसेल है इस तरीके से स्टूडेंट्स कोन के फॉर्म में है। क्लियर? हाइट इज 8 सेंटीमीटर, इसकी हाइट क्या है 8 सेंटीमीटर। क्लियर? एंड रेडियस टॉप इज ओपन 5 सेंटीमीटर, इट इज फुल अप टू ब्रिम, मतलब ऊपर टॉप तक का ये पानी से क्या है फुल है। क्लियर स्टूडेंट्स?
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिएगा, अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, दिस इज इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप, इसके टॉप का रेडियस 5 सेंटीमीटर, फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम, इधर टॉप तक पानी भरा हुआ है, विल लेड सॉल्ट्स ईच ऑफ विच इज स्फीयर, इसके अंदर हम कुछ लेड सॉल्ट्स डालते हैं, इस तरीके से देख रहे होंगे, किस शेप में ये स्फीयर के शेप में, जब इसको हम डालते हैं तो देखिएगा रेडियस ऑफ द रेडियस ऑफ कोन रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर इज 5 सेंटीमीटर, क्लियर, रेडियस ऑफ स्फीयर दिस इज द आर इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन एच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, क्लियर स्टूडेंट्स, यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही है। अब देखिएगा जब इन लेट सॉर्ट्स को डाला जाता है, लेट नंबर ऑफ लेट सॉर्ट्स, लेड सॉल्ट्स बी एक्स, एक्स इंटू वॉल्यूम ऑफ लेड सॉल्ट्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, क्या कहा जा रहा है, ड्रॉप वेसल 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, देखिएगा एक्स वैल्यू ऑफ लेड सॉल्ट्स 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 1/3, सॉरी क्या कहा है क्वेश्चन में, 1/4 यानी कि 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट यानी कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, क्लियर स्टूडेंट्स, देखिएगा यहां पर मैंने इस कोन के बारे में इसके हाइट को कैपिटल एच ले लिया, कैपिटल एच सॉरी स्मॉल एच लिया हमने, यहां पर देखिएगा यहां हमने कैपिटल लिख दिया उसके चक्कर में, देख कोन की रेडियस को हमने कैपिटल आर 5 सेंटीमीटर लिया और कोन की हाइट को एच इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और स्फीयर की रेडियस स्मॉल एन 0.5 सेंटीमीटर, देखिए आपको पता है आर्कमिडीज पर जितना वॉल्यूम जाएगा पानी उतना पानी का वॉल्यूम बाहर आ जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ लेड सॉल्ट्स मैंने एक्स माना, एक का वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब, एक्स इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 1/4 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच मैंने यहां पर ले लिया है। अब देखिए स्टूडेंट इसी का हमें सोल्यूशन करना, टोटल थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये थ्री कैंसिल, ये पाई और ये पाई कैंसिल, यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी, एक्स इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू एच अपॉन 4, ये 4 आपके पास है यहां 4 आ जाएगा और आर क्यूब, यहां तक शुरू समझ में आ गया होगा। अब हम इसको यहां से इरेज कर देते हैं, इंफॉर्मेशन तो आपके पास क्लियर हो चुकी है, अब यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बाकी तो कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको, देखिएगा यहां से हमें एक्स निकालना था और अभी देख रहे होंगे आप लोग फिगर में हमने सारी इंफॉर्मेशन यहां लिख दी थी, उसको आप वीडियोज को दोबारा रिपीट करके देखिएगा तो क्लियर दिखेगा, स्पेस कम होने की वजह से मैं कर रहा हूं, एक्स इक्वल टू कैपिटल आर क्या मैंने लिया था 5 इंटू 5 एच 8 अपॉन 4 इंटू 4 आर क्यूब, आर क्यूब मीन 0.5 इंटू 0.5, देख रहे हैं स्टूडेंट्स पॉइंट हटाएंगे एक जीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे एक जीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे एक जीरो बढ़ाएंगे,
5 5 5 5 5। अब देखिएगा आपका 4 से 4 टू जा, थोड़ा सा फिर से मैं लिख दे रहा हूं, 2000 अपॉन 4 इंटू 5 5 4 जा, 400 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 100 कोन्स। देखिएगा वैल्यूम ऑफ सिलेंडर, सॉरी वैल्यूम ऑफ कोन, यानी कि नंबर ऑफ लेड सोर्स बल्ब मैंने x माना था, x इंटू वैल्यूम ऑफ लेड सोर्स इक्वल टू 1/4 ऑफ द वैल्यूम ऑफ द कोन। 1/4 मैंने क्यों लिया, क्योंकि 1/4 ये क्वेश्चन में कह रहा है कि विच इज स्क्वायर ऑफ रेडियस हियर आर ड्रॉप इन टू द वेसल 1/4 ऑफ द वाटर, 1/4 ऑफ द वैल्यूम ऑफ द कोन। इसको जो मैंने सॉल्व किया x इक्वल टू, आपको सॉल्व किया x इंटू वैल्यूम, सॉल्व करने के बाद आपके पास आ रहा है आर स्क्वायर इंटू एच अपॉन 4 इंटू 4 आर क्यूब, कैपिटल आर की वैल्यू 5 इंटू 5, एच की वैल्यू 8 अपॉन 4 इंटू 4, आर क्यूब 0.5 0.5 0.5, 1 2 3 पॉइंट हटेंगे, 3 0 लगेंगे, ये आपका आ जाएगा 2000। सॉल्व करके हमने 100 लाया है, यानी कि 100 लेड सोर्स डालने से क्या होगा, 1/4 वैल्यू ऑफ द वाटर फ्लो हो जाएगा। देखिएगा स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 का डिस्कशन किया है और अभी आगे नेक्स्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही हम देखेंगे और इसके बचे हुए क्वेश्चन को आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा और इंतजार करिए, अच्छे से वीडियो आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।